आईएस खूंटी एसडीएम पर सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला दर्ज, पुलिस ने लिया हिरासत। खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का एफआईआर दर्ज, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम को हिरासत में लिया। मामला 2 जुलाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता खूंटी के बाहर हिमाचल प्रदेश की है, जो आईआईटी की छात्रा है। इंटर्नशिप के लिए खूंटी आई हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को एसटीएम ने रात को सभी छात्र छात्राओं को पार्टी दिया और शराब का दौर भी चला। पार्टी खत्म होने के बाद 1-2 छात्रा वहां पर थी। इस दौरान पीड़िता को भी शराब पिलाकर एसटीएम ने छेड़खानी करने लगा और गलत करने का ऑफर दिया, जिससे पीड़िता भड़क गई। एमपी से 16 छात्र छात्राओं का टीम खूंटी में इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं। एसपी अमन कुमार ने बताया कि मामला दर्ज होते ही पुलिस ने एसडीएम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनके अलावा और लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और 164 का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। जो भी मामला सामने आएगा कार्यवाही होगी। फिलहाल मामले में धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। हाँ सर, किस तरह का एक मामला एसडीओ के आया है? महिला थाना अंतर्गत कल शाम में एक महिला कलीग के द्वारा एसडीओ कुटी रियाज जो है उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन जो है वो दर्ज कराया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना में 14/22 एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है 354A 509 आईपीसी के अंतर्गत। जो रात में ही कई लोगों से पूछताछ की गई है, इंक्वायरी की गई है और एसडीओ कुटी को भी पुलिस कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है। अग्रतर हम लोग लड़कियों का जो बयान है 164 का लड़की का बयान और मेडिकल वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। आगे क्या सर कार्रवाई की लेकर के? इसमें देखिए, अभी तो हम लोग 164 के लिए भेजे हुए हैं जो लड़की जिसने कंप्लेन किया है, उसके बाद मेडिकल वगैरह लड़की का कराया जाएगा। अन्य जो लोगों की बात बताई गई है एफआईआर में उन लोगों से भी इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ वगैरह की जाएगी और जो भी 354 और 509 आईपीसी के अंतर्गत ये जमानतीय धाराएं हैं इसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई है उत्तर हम लोग पूछताछ के बाद उसको करेंगे। सर एसडीओ को पुलिस हिरासत में ले लिया गया? हाँ, एसडीओ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इसमें इंक्वायरी जो भी फेयर इंक्वायरी है हम लोग करेंगे। लड़की का भी तो बयान आज के डेट में तो लड़की का बयान जो है 164 का और मेडिकल वगैरह जो है हम लोग करवाएंगे और अग्रतर इसमें जो भी अनुसंधान है इस अनुसंधान को हम लोग गंभीरता से लेते हुए जो भी सही दिशा है जो भी सही चीज़ें हैं उसको अनुसंधान में लाएंगे।